मसाला करने तो बाद फिर मैं गई थी हॉल दे विच, क्योंकि हॉल दे विच ना मैं पंजाबी दे विच बोल रही हूँ। हॉल में मैं गई थी सोफा का कवर बिछाने, क्योंकि काफ़ी देर हो गए थे ना मैंने सोफे के कपड़े वॉश करके रख दिए थे, लेकिन दूसरे वाले नहीं लगाए थे इसलिए। आज जो मैं बनने का भट्टा बना रही हूँ वो सिंपल वे में बना रही हूँ, इसमें कोई भी ग्रीन पीस कॉर्न जो भी एक्सेस में कुछ डाल देती हूँ ना वो सब चीज़ें नहीं है अभी डाली, क्योंकि फिर बच्चे खाते ही नहीं है। मैं लास्ट टाइम डाल दिया, बच्चों ने खाया है, तो क्या फायदा अगर बच्चे ना खाएं। और इसमें जो मैंने ग्रीन चिली लंबा वाला करके डाला है ना वो भी इसलिए ताकि वो मैं आराम से निकाल के बच्चों को दे सकूं, क्योंकि बच्चों के मुंह में अगर ग्रीन चिली आता है तो खाना नहीं खाते इसलिए। और क्या करना, मेरी वॉइस ना अभी तक ठीक नहीं हुई ना, आपने देखा ही ना सुना ना मेरी वॉइस कैसी है, तो अभी तक ठीक नहीं हुई, वैसे हेल्थ बेटर हो गई है पहले से, इसीलिए मुझे लगा कि ब्लॉग शूट कर लेते हैं, नहीं तो फिर बस ऐसे निकल जाएगा टाइम। थोड़ा सा मसाला जब हो जाएगा ना फिर डालूंगी। और इधर मैंने लिया है वो बैंगन, पहले तो ना मैं ब्लेंडर में कर लेती हूँ, लेकिन अभी मुझे लगा अभी वो क्यों गंदी करना है तो मैं ऐसे इसको डाल के कर लेती हूँ। Thank you.
पुत मेरा पुत की कर दची की कर दची देखो ये कौन है सदा ये सदा सैंड बैठा है नाई नाई किती आज सैंड ने हेलो बोल दो आंधे हेलो बोल दो आंधे 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 सैंड सैंड कितने आंधे हेलो 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 सैंग सैंग कितने सैंग बुड्ढा हो गया सैंग ओल्ड हो गया इधर वाइट वाइट हेयर आ गए इधर वाइट वाइट हेयर आ गए वाइट मुच्छा हो गया सैंग उधर और ये पद्मा बेड़ा तो हो गया ठीक है अभी जस्ट ना हाउस हेल्प पर आई है आज इसको बोला है स्टेप को बहुत कम होते हैं सैंग इसको भी मौका चाहिए बाहर आने का सैंग चलो 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 अंदर अंदर चलो अंदर चलो हम भी चलते हैं अंदर टैप खुली छोड़ दी उसने बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो चुकी है तो अभी जस्ट ना बेटी मेरी उठी है थोड़ी देर पहले और टाइम हुआ होगा मुझे लगता है 12 और सुबह में मैंने ना बनाए थे रेडिश के पराठे तो बेटी बोल रही है मुझे भी पराठा ही बना दीजिए रेडिश का तो वही बना कर दे रही हूँ आटा लेके जा रही हूँ और रेडिश तो मैंने सुबह सुबह अपने लिए पराठा बनाया था तो उसके पराठे की स्टफिंग मैंने रख ली थी कटोरी में डाल के तो उसके लिए अभी हम लोग बनाएंगे मुझे लगा था अभी लंच और ब्रेकफास्ट इकट्ठा खाएगी और बैंगन की भरते के साथ खा लेगी बट नहीं मुझे बैंगन का भरता नहीं खाना है तो फिर मैंने बोला क्या खाओगे मूली का पराठा मैंने सुबह बनाया था तुम्हारे लिए भी रखा था तुम खाओगे तो बोले हाँ मूली का पराठा ही बना दो तो उसके लिए मैंने स्टफिंग पहले ही रेडी कर ली थी मतलब कि जब मैंने अपने लिए बनाया था ना तब उसका जो पराठे का स्टफिंग था एक्स्ट्रा वो मैंने रख दिया था अगर उसको चाहिए होगा जहाँ उठ गई बाई चांस बीच में तो उसके लिए पराठा मैं बना दूंगी तो अभी जस्ट उसको मैं पराठा बना के दे दूंगी और लाइट मैंने ना छोटी वाली ऑन कर दी बड़ी वाली लास्ट टाइम मैंने ऑन की थी ना ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा क्लोज कैमरे में करने से ना ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अभी जस्ट आई मेक तेरी बेवफाई को भुला ना सकेंगे चाहे भी तो कभी सकेंगे यार अपना